मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए, पुलिस की तफ्तीश नहीं मामला चलेगा ना। आप बुला नहीं, आपकी बात नहीं मान सकता, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी ये, आज आपको पता लगा, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्योंकि कई बार बातें हो चुकी आपके चैनल पे भी। मैं तो बता ही दूंगा, साइंटिस्ट की टीम होती है प्रभु, कहाँ बैठे हैं आप? अरे प्रभु टीम होती है तो टीम में तीन, आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना, तीन डॉक्टर्स बताइए, जो मैं, चलिए दो मैन डॉक्टर्स बता दीजिए। क्या ड्राइविंग सीट? क्यों नहीं दूंगा, ड्राइविंग सीट पर नहीं आप? बिल्कुल राहुल जी ने कहा था जी, अरे एक एक सवाल का जवाब देंगे आप, बहुत सीरियस डिबेट हो रही है। आज इस वीडियो में बात आज तक के पत्रकार अंजना ओम कश्यप की करेंगे। हम उनके कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें विपक्ष नेताओं ने अंजना को करारा जवाब दिया। कोरोना के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ से किया। जब कांग्रेस नेता जवाब देने लगे तो एंकर अंजना ने बीच में टोका, जिस पर गौरव ने भी अंजना को सुना दिया। गौरव वल्लभ जी जवाब अंजना जी, आपने जो सवाल और एक सेकंड उस पर उन्होंने जवाब दिया है, उस पर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ से कल से सेंटर की तरफ से राज्यों को मुहैया कराया जा रहा है, वहाँ पर आ गए। इस सवाल से आप भी नहीं बच सकते सर कि जी, मैं तो जवाब महाराष्ट्र, आप पहले सवाल सुनिए ना सर, महाराष्ट्र जी, महाराष्ट्र पर जवाब दीजिएगा सर, मैं भी मान जाऊंगी कि आप बड़े ईमानदार हैं। महाराष्ट्र में आपकी अगाड़ी की सरकार चल रही है ना, वहाँ पर सेकेंड वेव की जिस तरह से शुरुआत हुई, हर वेव में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सबसे ज्यादा ये बीमारी फैलती है, मौतें होती हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उस पर कुछ तो जवाबदेही बनेगी ना सर, दो लाइन का जवाब तो उस पर दे दीजिए। बिल्कुल दे देता हूँ, आपने सवाल इतना क्या ड्राइविंग सीट है, क्यों नहीं दूंगा, ड्राइविंग सीट पर नहीं आप लोग? बिल्कुल राहुल जी ने कहा था जी, अरे एक एक सवाल का जवाब देंगे आप, बहुत सीरियस डिबेट हो रही है। आपने इनसे पूछा मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिन में 600 वैक्सीन लगी थी एक दिन और कल लग जाती 16,96,000, कोई उत्तर नहीं। धर्मांतरण के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी से एंकर अंजना ओम कश्यप ने बात की। ओवैसी अंजना के सवालों का करारा जवाब देते नजर आए। नहीं, मेरी बात सच इसलिए है और हो जाएगी कि कल आज तक के हल्ला बोल प्रोग्राम में अब्दुल समद के बेटे को अंजना ओम कश्यप बुलाएंगी और पूछेंगी कि बताइए क्या आपने लिख कर नहीं दिया था कि JSR का नारा लगाओ, अगर पानी पीना है तो फुलां पी लो, आप पूछ लीजिए बुलाकर, उनका बेटा ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, आप उनके बेटे से बुलाकर पूछ लीजिए कि हमारा पेशा कारपेंट्री का है, तावीज देने का नहीं है, आप आदिल के भाई को बुला लीजिए। अरे मैडम, जब पुलिस पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कल मैं अगर हल्ला बोल में उनको बुला लूंगी तो फिर आप कहेंगे कि मैडम, ये न्यूज एंकर्स और जर्नलिस्ट बैठकर पंचायत लगाते हैं, अपनी अपनी अदालतें चलाते हैं। मेरा सवाल तो सर इतना है ना सर, ना बिल्कुल नहीं, अरे अरे मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए, पुलिस की तफ्तीश नहीं मामला चलेगा ना। आप बुला नहीं, आपकी बात नहीं मान सकता, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ अब्दुल समद सैफी के बेटे को कोट करके कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने सवाल यूपी में राजनीति को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह से किया। अखिलेश प्रताप सिंह ने अंजना के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया। जी, आज अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि हम छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, बड़ी पार्टियों के साथ जो साथ वाली बात थी, जनता को साथ पसंद है, वो अब नहीं जमा, उन्होंने भी इनकार कर दिया, कोई हाथ पकड़ने को तैयार। अच्छा, तो ये तो लोकसभा चुनाव के बाद पहले ही कांग्रेस साहब कह चुकी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी थी ये, आज आपको पता लगा, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्योंकि कई बार बातें हो चुकी आपके चैनल पे भी, हमने कई बार कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। देखिए अंजना जी, जो आप बहस कर रहे हैं, जो मुद्दा हम उस मुद्दे पर आते हैं, दरअसल चक्कर क्या है कि उत्तर प्रदेश में BJP सत्ता में है, सिर्फ पैसे और पावर के लिए 4.5 साल आपस में लड़ती रही। देखिए, जब आप कह रहे थे कि प्रियंका गांधी की बारी आई है, तो गौरव जी, अनुराग जी भी मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, मुस्कुराते रहना चाहिए सबको, इसमें कौन सी बुराई है, मुस्कुराते रहना चाहिए, आपको भी मुस्कुराते रहना चाहिए, सबको मुस्कुराते रहना चाहिए। गौरव जी ने जो कहा उस पे मुस्कुराहट आ रही थी, उन्होंने वैक्सीन के मुद्दे पर एक डिबेट आज तक पर हुई। इस डिबेट में SP नेता अनुराग भदौरिया ने भाजपा नेता से कोरोना वैक्सीन खोजने वाले साइंटिस्ट के नाम पूछे, जिस पर अंजना ने उल्टा सवाल अनुराग से ही कर दिया, जिसका उन्होंने करारा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे अंजना जी पूछना चाहता हूँ, पूरे देश का लोग आपके चैनल को देखते हैं, कितने लोग जानते हैं वैज्ञानिकों का नाम जिन्होंने हमारी वैक्सीन बनाई? मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए कितने लोग वैज्ञानिकों का नाम जानते हैं?
आप दो वैज्ञानिकों तीन वैज्ञानिकों नाम बता दीजिए और बीजेपी पर आपका या कुछ से पूछ लीजिए कि तीन वैज्ञानिक बताइए जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है और कौन सी वो दो ऑर्गेनाइजेशन आप बताइए बनाने में सहयोग दिया आप बताइए क्योंकि आप इतना रिसर्च करके बैठे होंगे ना बताइए नहीं मैं तो बता ही दूंगा साइंटिस्ट की टीम होती है प्रभु कहाँ बैठे हैं आप अरे प्रभु टीम होती है तो टीम में तीन आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना तीन डॉक्टर्स बताइए जो मैं चलिए दो मैन डॉक्टर्स बता दीजिए मैं पूछना चाहता हूँ अरे आप कितने लोग जानते हैं जो डॉक्टर लोग तो कंपनी जानते हैं कंपनी के मालिकों का नाम डॉक्टर सुमंती डॉक्टर कृष्ण एला को कितने लोग जानते हैं डॉक्टर सुमंती को कितने लोग जानते हैं डॉक्टर कृष्ण एला को कितने लोग जानते हैं किसने सुमंती के बारे में पढ़ा है कोवैक्सिन के मालिक फिर वही बात एला को सब जानते हैं हाँ। वही बात है दिक्कत तो ये जनता नहीं जानती है इसलिए हमने वैज्ञानिकों का प्रचार नहीं किया बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा प्रचार किया। आज तक पर कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने पीडीपी नेता से पाकिस्तान का जिक्र कर कुछ सवाल किया। अपने जवाब में पीडीपी नेता ने कुछ बातें कही जिसे सुन अंजना भड़क उठी। इसके बाद दोनों के बीच तिक्की बहस देखने को मिली। जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बातचीत कीजिए आप पाकिस्तान से भी जरूरत है तो पाकिस्तान से क्या बात करें एक देश जो पनाहगाह बना हुआ है आतंकी संगठनों का। अगर मैडम बाबू जी ने खाली ये बोला कि आप बात करें दुबई में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की सरकार ट्रैक टू पे बात कर रही है पाकिस्तान से सीज फायर तो बीजेपी ने किया तो ये सवाल तो उनसे पूछिए आप। आपको ट्रैक टू और फॉर्मल टॉक्स में फर्क नहीं दिखता जस्टिफाई कर रहे हो ना किसी चीज को ये हिपोक्रेसी है आप वो निकले थे हम आइसोलेशन में पाकिस्तान को इंडिया हिपोक्रेट है पाकिस्तान महान है ठीक है हमारे जितने भी ठीक है आप कह रहे हैं इंडिया हिपोक्रेट है इंडिया में हिपोक्रेसी है पाकिस्तान महान है मिस्टर भट्ट आवाज नहीं आ रही क्या अंदर वाली पॉलिसी फेल आप मुझे बताएं इन्होंने 370 उठाया सिर्फ एक्सटर्नली हमें तो बताया जा रहा है कि आपको आवाज जा रही है फिर आप क्यों नहीं जवाब देते सवाल सुन के सिर्फ पार्टी बेसिस पे सोच रहे हैं हमें आपको इंडिया की पॉलिसी में हिपोक्रेसी दिखती है हम तो कह रहे हैं जंग होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया आगे भाजपा नेताओं से सवाल करने शुरू करेगा और जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगा और अगर वो ऐसा करना नहीं शुरू करता तो आगे भी उन्हें ऐसा ही करारे जवाब मिलते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।